सारे ने मैं होता रखला कुसुम गोय तो हमने बता दू कि भाई देश भर में कई जगह पर आज भी बेटियां ने जो है बोझ मानस है। लेकिन कुछ लोग इसे भी है, यू कहूँ कि कुछ लोग बढ़िया इसे भी है जो बेटियां ने तो रखे ही रखा है, साथ के साथ अपनी बहुआ ने भी नाजो से रखा है, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। और इसे का एक उदाहरण पेश कराया है पानीपत के एक छोरे ने, यानी कि पानीपत का वो छोरा का नाम है मुनीश सैनी, और इसके पूरे परिवार ने पेश कराया है ये उदाहरण। तो हमने बता दू कि भाई उन्होंने अपने अपनी बहू की विदाई हेलीकॉप्टर में करवाई है, यानी कि इस बात ने कहूँ कि वे अपनी बहू ने हेलीकॉप्टर में लेकर ना आए हैं। इब तो हमने कहूँ कि पूरी खबर क्यों करके है, क्यों मतलब बहुत सारे लेकर आए हैं, इसे एक दो केस और तो हमने देखे होंगे। लेकिन मुनीश की शादी जो है वो इस है जींद के नरवाणा की रहने वाली मोनिका के गिल है, और मुनीश सैनी ने शादी में कोई दहेज को न लिया, और उन्होंने अपनी दुल्हन की जो विदाई है वो अनोखे अंदाज में हेलीकॉप्टर में करवाई। और मुनीश ने ऐसा ज्यादा कराया क्योंकि भाई उसकी माँ का सपना था कि भाई उसकी बहू जो है वो हेलीकॉप्टर में आवे, यानी कि अपनी माँ का सपना पूरा करने खातर मुनीश अपनी बहू ने हेलीकॉप्टर में लेकर आया। तो मुनीश सैनी के पिता की बात करूँ तो उनके पिता पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी ने बताया है कि भाई उनके तीन बेटे हैं और एक बेटी है, और बड़े दो बेटे हैं उनकी भी शादी में उन्होंने कोई दहेज को न लिया था, और जो उनकी छोरी की ब्याह कराया उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह कराया उसमें भी उन्होंने कोई दहेज को न दिया था। तो भाई उन्होंने भी बताया है कि भाई उनकी पत्नी का सपना था कि भाई उनकी बहू जो है छोटे बेटे की बहू, क्योंकि जिसका ब्याह हुआ वो सबसे छोटा है, उसकी बहू हेलीकॉप्टर में घर आवे। तो जय तय उनका सपना पूरा करने खातर मुनीश सैनी के पिता ने इसके साथ साथ नू भी बताया कि भाई हम समाज तय अपील भी करा हाँ, उन्होंने तो देखो उदाहरण पेश कराया है, साथ में उन्होंने एक समाज तय अपील भी करी है कि भाई बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। जो कर भाई अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को पूरा कराया है, और उसी तरीके से हम सारे बेटी और बहू दोनों को सुखी रखनी चाहिए। और मुनीश सैनी जो है वो पानीपत के पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी के सबसे छोटे बेटे हैं, और जो मौजूदा पार्षद है कोमल सैनी उनके देवर भी है। और इसके गिले गिले तो हमने बता दियो कि भाई मुनीश की माँ रामकली सैनी, रामकली नाम है मुनीश की माँ का, और उनका सपना था कि भाई उनकी सबसे छोटा बेटा मुनीश की दुल्हन जो है हेलीकॉप्टर में लेकर आवे, और अपनी माँ के लिए उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी तक जो है संपर्क कराया और फिर हेलीकॉप्टर बुक कराया, और उसके बाद जो है अपनी दुल्हन ने हेलीकॉप्टर में लेकर आया। लेकिन जो करे हेलीकॉप्टर पानीपत के सेक्टर 24 में बने हेलीपैड पर जो हेलीकॉप्टर उतरिया तो बड़े घने सारे लोग आ गए और इकट्ठा हो गए, यानी कि हेलीकॉप्टर ने देखने खातर। और एक बात और उन्होंने बताई है कि उन्होंने स्वगुण के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया है, यानी कि सिर्फ 1 रुपया में वे ब्याह के लेकर आए हैं जींद के नरवाणा की रहने वाली उस छोरी ने। तो भाई इन्होंने तो बढ़िया मतलब उदाहरण पेश कराया है कि भाई देखो अपनी माँ का सपना पूरा करने खातर तो हेलीकॉप्टर में अपनी बहू ने लेकर आए हैं, साथ के साथ इन्होंने दहेज भी को नहीं लिया, और लिया के इनका जो छोरी थी एक मतलब जो ब्यादी है उसने दहेज दिया भी को नहीं, यानी कि ना दहेज लेना ना दहेज देना। तो भाई इस बारे में तारा के कुछ कहना है मैंने कॉमेंट में जरूर बता दियो, ठीक से नहीं मैं फिर मिलूंगी तब ना किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।